मैं आपको दिखाता हूं पहले क्या थी और अब क्या है। सिर्फ एक बटन के साथ ही, सिर्फ एक सेटिंग के साथ ही आपका पूरा गाना ही ऐसे हो गया जो पहले बिल्कुल दबा दबा था, अब एकदम भरा हुआ हो गया, एकदम उसने फील ही टोटली नेक्स्ट लेवल कर दी है। नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक के इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे गानों के अंदर जो बेस लाइन है, जो सब है, जो 808 है, वो किस तरह से हम बीफ अप कर सकते हैं, किस तरह से मसल अप कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक छोटा सा पैटर्न बनाया है, ये मेरी किक है, ये मेरी बेस लाइन है, ये मेरी स्नेयर है, बहुत ही बेसिक है, एक बार पहले सुन लेते हैं। मैं सबको रिकमेंड करूंगा, हेडफोन्स में ये लेक्चर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएगा। और अगर मैं यहां पर बेस लाइन की तरफ जाता हूं, मैंने सिर्फ एक सिंपल साइन वेव ली है और कुछ भी नहीं, जो आप चाहे सिट्रस हो, जीएमएस हो, 3x ऑसिलेटर हो, कोई भी हो, डिफॉल्ट करने पे आपको जो सामने आती है एक साइन वेव, राइट। हम इसे सुन लेते हैं। अब ठीक है, ये भी सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन ऑब्वियसली ये उतनी बीफ्ड अप नहीं है, उतनी मसल्ड अप नहीं है, ये अलग अलग स्पीकर्स में उस तरह से नहीं होगी कि एकदम क्रैक कर दिया है, एकदम तबाही मचा दी है। और मोबाइल में हो, चाहे लैपटॉप के स्पीकर्स में हो, चाहे कोई छोटे ब्लूटूथ हो जो आजकल हम काफ़ी अलग अलग कंपनीज के खरीदते हैं, सबके अंदर अगर मेरी बेसलाइन बहुत अच्छी हो तो पहली चीज़ तो ऑब्वियसली हम जानते ही हैं कि हारमोनिक्स हो गई, सैचुरेशन, डिस्टॉर्शन, इसके ऊपर हम काफ़ी बात करते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर जाऊँगा, 3x ऑसिलेटर एक नंबर में है, ठीक है, मैं यहाँ गया और पहले इंसर्ट के अंदर, मिक्सर चैनल के अंदर मैं यहाँ पर आज लेता हूँ इफेक्टर। अब इस इफेक्टर के बारे में ऑलरेडी मैं एक लेक्चर बना चुका हूं, आप जाके सर्च करेंगे इफेक्टर देव नेक्स्ट लेवल तो आपको सामने आ जाएगा कि ये पूरा प्लगइन एक्चुअली है क्या। ये एक काफ़ी अंडररेटेड प्लगइन है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन आई डोंट नो क्यों इसको लोग काफ़ी कम यूज़ करते हैं। आप में से भी कुछ लोग करते होंगे लेकिन ज़्यादातर आज पहली बार शायद देख रहे होंगे कि ये कैसा प्लगइन है, जबकि बहुत लोग यूज़ करते भी हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली हम देख सकते हैं रिवर्ब है, स्टीरियो है, ठीक है, यहाँ से हम गेट कर लेते हैं, थोड़े ग्रेन ऐड कर लेते हैं। वॉक्स एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके अंदर मैंने बताया है, हम फ्लेंजिंग और फेजर जैसे इफेक्ट्स भी ऐड कर लेते हैं, लो फाई यानी कि बिट क्रश वगैरह, और लेकिन हम यहाँ पर जो करने वाले हैं, रिंग मॉड्यूलेशन है, डीले है, हम यहाँ पर करने वाले हैं डिस्टॉर्ट। मैंने ऑन कर दिया और ठीक है, बैक एंड पे वो डिस्टॉर्शन वाली सेटिंग ऑन हो गई है। सुनते हैं इस बेस के ऊपर कुछ बना या नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं बना, क्यों? क्योंकि यहां पर बायपास का बटन ऑन है और जैसे मैं इसे ऑफ करूंगा वो काम करेगा। फिलहाल मैं इसे अभी ऑन करूंगा, अभी फिलहाल इसे ऑफ रख रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डिस्टॉर्शन के दौरान तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप देखिएगा आपकी इस बेस लाइन को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एक अनदर लेवल पे ही ले जाएगी वो। ये जो हमारे पास यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, ये बचपन से ही हम जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक्स मेरी हॉरिजॉन्टल होती है और वाई मेरी वर्टिकल होती है, राइट। तो एक बार इसको हम बिल्कुल जीरो कर देते हैं, एकदम जीरो। तो अब मैं अगर इस डायरेक्शन में, मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलूं तो एक्स, राइट, ये मेरी हॉरिजॉन्टल है, और अगर मैं यहां से अप चलूं वर्टिकल तो ये देखिए ये मेरी वर्टिकल है। अब ये क्या चीज कर रही है, बहुत सिंपल है। ये जो मेरी एक्स है ये है डिस्टॉर्शन कितनी ज्यादा या कितनी कम लगानी है, और जो मेरी वाई है वो टोन अप है, नीचे मेरी लो फ्रिक्वेंसी है, जैसे जैसे मैं उठाता जाऊंगा वो हाई की तरफ उठती जाएगी, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी पे डिस्टॉर्शन लगानी है या हाईस पे लगानी है, ये टोन अप करने के लिए है, और ये डिस्टॉर्शन कितनी ज़्यादा ये उसके लिए। और ये ओवरऑल मेरा ड्राई और वेट नॉब, तो इसको हम थोड़ा सा चलिए हम कम ही रखते हैं, या इसको भी चलिए एकदम बंद करते हैं। अब सब कुछ एकदम मैंने अपनी तरफ से बंद कर दिया, हो सकता है थोड़ा बहुत हिल जाता है कई बार। बायपास बटन मैंने अब हटा लिया है, अब देखते हैं ये काम करना शुरू हो चुका है प्लगइन। ठीक है, फिलहाल सब कुछ बंद है, हल्का सा मैं ड्राइवेट ऑन करूंगा, देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई, एक्स एकदम बंद है यानी कि डिस्टॉर्शन ऐड हुई ही नहीं, तो थोड़ी सी हम डिस्टॉर्शन यहां से ऐड करेंगे। मैंने हल्की सी ड्राइवेट नॉब इतनी ही रखी है। अब हम बात करने वाले हैं एक्स की, यानी मेरी डिस्टॉर्शन की अमाउंट की। हाँ,
आप देख रहे हैं ऑलरेडी कितनी जबरदस्ती चीज बननी शुरू हो गई है। अब यहां पर मैं चाहता हूं थोड़ी सी मसल अप करने के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे टोन चाहिए, हल्की सी मैं इसे उठाऊंगा, जैसे ही वो टोन ऐड होगी थोड़ी से हाईज ऐड होंगे और देखिएगा आपकी 808 एक अनदर लेवल पे पहुंच जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, हल्की सी मैं थोड़ी सी उठाई है, डिस्टॉर्शन इतनी होनी चाहिए और ओवरऑल मेरे ड्राइवर नॉब जो है वो मैंने इतनी यहाँ पर रखी है। ये जो दो यहाँ पर दिख रहे हैं इनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ये मेरी इनपुट गेन है, ये मेरा आउटपुट गेन है, फिलहाल मैं इसे नहीं छड़ रहा और इसको एकदम जीरो ही रख रहा हूं। अगर आप थोड़ी सी गेन रिडक्शन की तरफ ध्यान देना चाहें तो इसको मैं चाहूं तो हल्का सा यहां से मैं कम कर सकता हूं, पर मैं फिलहाल इसको नहीं छेड़ता, मैं बाहर से ही जो मेरा मिक्स का लेवल है वहीं से मैं ये चीज़ें छेड़ना पसंद करता हूं। आप देख रहे हैं सिंपल सी बीट है, मैं आपको दिखाता हूं पहले क्या थी और अब क्या है। सिर्फ एक बटन के साथ ही, सिर्फ एक सेटिंग के साथ ही आपका पूरा गाना ही ऐसे हो गया जो पहले बिल्कुल दबा दबा था, अब एकदम भरा हुआ हो गया, एकदम उसने फील ही टोटली नेक्स्ट लेवल कर दी है। मेन मैं आपको बताना चाहता डिस्टॉर्शन की इतनी ज्यादा पावर है और ये वाला मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। अब यहां पर अगर मैं आपको बता दूं, मैं यहां जाता हूं और एक और मैं यहां पर इफेक्टर लेता हूं। अब देखिएगा इस पे वही बाईपास ऑन है, यहां से मैं ऑन करता हूं मेरी वॉक्स, इसे एकदम बंद किया, वो कोडिंग है वही एग्जैक्टली एक टोन अप के लिए है और एक मेरा कितना उसके ओवरऑल इंपैक्ट होगा। हल्की सी मैं ड्राई ऑन कर देता हूं ड्राई वेट नॉब, और ओवरऑल इसको यहां से कंट्रोल कर लेते हैं। और ये जो दोनों नॉब्स हैं आप राइट क्लिक करेंगे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, यहां से कर सकते हैं, जो मैं अपने इस तरह के सॉन्ग्स में करता हूं जहां मुझे थोड़े इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने हो या कुछ इस तरह का मुझे काम आया है जूम चैनल की तरफ से या वायाकॉम की तरफ से वूट ऐप के लिए कि कुछ मैं 30 सेकंड की चीज़ बनानी है, दो डायलॉग जोड़ दिए और बीच में कुछ इफेक्ट्स लगा दिए, तो ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त चीज़ काम करेगी अगर आप एक्स और वाई पैरामीटर दोनों को अलग अलग ऑटोमेट कर देंगे। ये देखिएगा कान बचाकर, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको ज़रूर सीखिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ ज़रूर जाइए YouTube और वहाँ देव नेक्स्ट लेवल सर्च कीजिए। अरे 500 लोग रह गए, जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा सो दैट कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। नया चैनल देव नेक्स्ट लेवल बीट्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अरे आप में से कौन वो एक इंसान होने वाला है मुझे जल्दी से बताइए, इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो कहीं भी हो देव नेक्स्ट लेवल सर्च कीजिएगा, आपके सामने मैं हाजिर हो जाऊँगा, मेरे नए सॉन्ग चाहे मेरा क्या मिक्स चल रहा है, क्या प्रोडक्शन चल रही है, ये काफ़ी 10-12 साल पुरानी तस्वीरें, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। और एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने मेरे लिए आज सुबह सुबह ही ये बहुत अच्छी ड्राइंग की है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट, नमस्ते।